परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर लग रहे सबसे ज्यादा वेट समेत अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्यिक माल परिवहन वाहन सोमवार से 3 दिनों की हड़ताल पर है। इस परवाड़ी के भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि हड़ताल करना किसी भी समस्या का उपाय नहीं है। साथ ही उन्होंने MP परिवहन चेक पोस्ट बंद करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट संगठनों के 3 दिनों के हड़ताल की घोषणा के बाद से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से माल परिवहन का आना जाना बंद है। यदि आना जाना होता है तो मध्य प्रदेश परिवहन चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से बेवजह का टैक्स वसूला जाता है, जिससे मालक और ट्रक चालक परेशान है। इस पर भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा ने MP परिवहन चेक पोस्ट बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर 15 अगस्त के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। नरेंद्र मिश्रा ने इस विषय में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय को गंभीरता से लेने की अपील की है। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर में ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल 10/11/12/2020 का उन्होंने हड़ताल का ऐलान किए थे और सभी उनका कहना है कि हम सभी ट्रांसपोर्ट वालों से मिलकर चर्चा करके इसका आह्वान किया, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी संगठन वालों से बात की है और उन्होंने हड़ताल किए, लेकिन मेरी जो है तो एक सूत्री मांग पे हमने उनको ये आश्वासन दिया था कि हमको सबसे पहले वो चीज चाहिए जो ट्रक इंडस्ट्रीज ने ही चालू किया और ट्रक इंडस्ट्रीज ने ही बंद कर सकता है, वो है परिवहन विभाग का घोर भ्रष्टाचार। आज हम टैक्स के लिए लड़ रहे हैं, 6 महीना टैक्स माफ करवा दीजिए, डीजल फ्री करवा दीजिए, डीजल रेट कम हो जाए। डीजल तो फ्री होना सवाल नहीं होता है, तो केंद्र सरकार के अधीन है GST में लाना। डीजल हमको GST में लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय करना पड़ेगा सभी को मिलकर, वो केंद्र सरकार से हो सकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर में ये परिवहन विभाग का लूट मची है RTO परिवहन चेक पोस्ट, हमारी वन सूत्री मांग है कि जब तक सरकार ये परिवहन चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दे, वहां पे गुंडे मवावीदी को हटा दे, और वो एक गाड़ी अगर वहां से निकलती है कोई परदेशी की गाड़ी, कोई MP का है, कोई पंजाब का है, कोई UP का है, कोई हरियाणा का है, हर स्टेट से MP के अंदर गाड़ी प्रवेश लेती है, उन गाड़ी वालों को 10,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति महीना का खर्चा आ रहा है चक्कर के हिसाब से, वो सरकार तुरंत बंद करे। और हमारी परिवहन मंत्री जी से 15 महीने की उनकी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री से हमने उनसे यही बात किया था फ्रेश टू फ्रेश कि सर आप परिवहन विभाग में ये भ्रष्टाचार को बंद करें, ये चक्कर वाइज चक्कर बंद करें। नीचे का अधिकारी बोलते ऊपर से आदेश है, लेकिन ऊपर वाले एक शब्द का जवाब देना क्यों नहीं उचित समझते। कल हमने परिवहन मंत्री जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, देख रहा था कि हड़ताले में हम आपकी मांगे को जांच करेंगे या सोचेंगे, विचार करेंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप ये भ्रष्टाचार के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते कि परिवहन चेक पोस्ट जो आपका चल रहा है ये क्या अच्छे चल रहे हैं? अधिकारी वहां पे किसी संगठन वालों से फोन पे बात करने को तैयार नहीं, गाड़ी वाला ऐसी तैसी कर रहा है, 4 दिन खड़ा रहे, 5 दिन खड़ा रहे, 10 दिन खड़ा रहे, कोई सुनवाई नहीं। उनको चक्कर के हिसाब से पैसा होना थोना, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश एक बारूद के ढेर पे जाके बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर में क्या माल लोड है ये अधिकारियों से कोई लेन देन, पैसे दे दो गाड़ी आगे लेके चले जाओ, चाहे 1 नंबर का माल है चाहे 2 नंबर का माल है, क्या माल है क्या माल नहीं है। तो हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि अगर RTO चेक पोस्ट चेक करने के लिए बैठाए गए हैं तो वहां पे चेक ही करके गाड़ी को छोड़ा जाए, ना कि गाड़ी को पैसा लेके छोड़ा जाए। पैसा लेने आज उन्होंने साबित करते हैं कि गाड़ी जो संगठन वाले हैं ये दलाली करते हैं। अरे दलाली तो आपने स्टार्ट किए, आपने उनको जान शिक्षा दे रहे हो कि पैसा दे के निकल जाओ, ओवरलोड भर के आ जाओ। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, खासकर शिवराज सिंह जी से, शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं जो नागपुर के सांसद हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, हम ये तीनों लोगों से निवेदन करता हूं सर परिवहन विभाग का चेक पोस्ट आप पूरी तरह से बंद कर दें। जिस तरह से पूरी दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है तो ऑनलाइन चलने दीजिए, ऑनलाइन करिए, चलान करना है तो ऑनलाइन पे चलान करें, मोटर मालिक उसका पैसा ऑनलाइन से भरे,
ये चोरों के जेब में ना जाए, जो नीचे से बोलते हैं ऊपर से आदेश, आदेश अगर है इस विषय में हम एमपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री एम के जैन, मुकेश कुमार जैन से हमने चर्चा किया हूं और जल्द ही मुकेश कुमार जैन से मिलने वाले हैं, अब उनसे सामने शब्द रखेंगे। हम लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है, हम लोग हड़ताल नहीं करना चाहते, हड़ताल से कोई दुनिया का भला नहीं हुआ है, हमारा भी भला नहीं हुआ। जब जब ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस या कोई संगठन हड़ताल पे जाती है वो दुख सबसे ज्यादा दुख होता है छोटे मोटर मालिक को, निम्न वर्ग के मोटर मालिक को, उनको सताया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस विषय को लेकर हम ये 15 अगस्त के बाद हम जो मिलने वाले हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, ट्रांसपोर्ट मंत्री से, तो हमारी वन सूत्री मांग रहेगी सर 1 अगस्त सिस्टम को बंद कर दिया जाए, करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी, उनका रोजगार मिल जाएगा, हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो आज से जब से चालू हुई है, जब से आत्मनिर्भर भारत बनी है, हम अपनी ट्रक लेते हैं, अपनी ट्रक चलाते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन यापन देते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और जो हमने कहना था अब टीवी के चैनल के माध्यम से बोल दिया। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर कहा कि ट्रांसपोर्टरों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, इससे पहले भी जब हड़ताल की गई थी तब उनकी मांगों पर कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि उनसे आकर मिले और उनकी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ट्रक एसोसिएशन वालों की जो मांग है उन पर गंभीरता से विचार होगी। पिछली बार भी ट्रक एसोसिएशन की जो मांगें थी उन पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विभाग ने चर्चा की थी, उन लोगों के साथ बैठकर उनका लाइफ टाइम टैक्स जो एक मुश्त देने की बात कही थी पिछली सरकार ने, उस पर भी हमने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया था और वो किस्तों में देने की बात की थी। यह बात मैंने मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ठीक किया आपने जो उनका लाइफ टाइम टैक्स किस्तों में कर दिया, इससे उनको भरने में सहूलियत होगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ट्रक आंशिक चल रहे हैं, आवश्यक जो वस्तुएं हैं, मेडिकल की सेवाएं हैं, अन्य चीज़ों की सप्लाई हो रही है। और कल ट्रक एसोसिएशन हमारे हमसे कुछ मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना सारा विज्ञापन दिया था और जो भी बात है वो कुछ लोग आ जाएं मिलकर चर्चा कर लेंगे, जो भी संभव होगा सरकार उनके साथ है और जो भी हमारे विभाग संबंधी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ।